आज हम बात करेंगे जानिसार ड्रामे के लास्ट एपिसोड के बारे में। लास्ट एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, क्या दुआ को नशर्मा छोड़ देगा, ये दोनों ही जुदा रहेंगे। दोस्तों मुकम्मल स्टोरी आपको लास्ट एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ। गुजारिश है वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो की तरफ चलते, दुआ को जेल में से रिहा करवाया है नशर्मा के अबू ने। नशर्मा के अबू ने जब दुआ को जेल में से रिहा करवाया, लेकिन दुआ को इस बात का पता चल है कि नशर्मा भी घर आ चुका है, वो अब ठीक है। तो दोस्तों देखें जो दुआ है वो नशर्मा के घर आ जाती है, उसका हाल पूछने, लेकिन जो दुआ है उसे ये नहीं पता होता कि नशर्मा से मुझे नहीं मिलने देगी। नशर्मा का अबू नशर्मा को कहता है कि आपने दुआ से नहीं मिलना, ना ही आपने दुआ से कोई बात करनी है। तो दोस्तों देखें जो दुआ है वो नशर्मा से मिलना चाहती है, लेकिन उसे नहीं मिलने देते। मैंने आपको छोड़ दिया, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं आपको नहीं छोड़ता। तो दोस्तों जो दुआ है वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, परेशान होकर अपनी अम्मी के घर चली जाती है और नशर्मा को कॉल करती है, उसे कहती है कि मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको कैसे मार सकती हूँ। तो दोस्तों देखें अब नशर्मा का दिमाग जो है वो कश्माला ने खराब करके रखा हुआ है। वो कैसे बार बार एक ही बात करती है कश्माला नशर्मा को, जो दुआ है वो फराज से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने आपको जहर दिया है। अब आपसे वो बात करके ऐसी बातें इसीलिए कर रही है कि जो नशर्मा है वो मान जाए। अब कश्माला ने दुआ को भी परेशान करके रखा हुआ है और नशर्मा को भी उसने परेशान करके रखा हुआ है, कंफ्यूज करके रखा हुआ है। अब नशर्मा कुछ भी नहीं कर रहा। तो दोस्तों आखिर नशर्मा को पता चल ही जाएगा कि जो कश्माला है इसने ही मुझे मारने की कोशिश की है, सबसे बड़ी दुश्मन मेरी कश्माला ही है। तो दोस्तों देखें ये भी पता चल जाएगा कि फराज के साथ ये मिली हुई थी, जो भी काम करवाया है कश्माला ने ही करवाया है। तो दोस्तों देखें जो फराज है वो सारी बातें नशर्मा को बता देगा कि दुआ का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, जितना भी काम किया है वो कश्माला ने ही किया, आपको मारने की कोशिश भी कश्माला ने ही की है, जो दुआ है उसने तो आपको बचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों देखें अब नशर्मा जो है वो दुआ के लिए कुछ भी कर सकता है, दुआ को अपने घर में लेके आएगा और नशर्मा का एक बेटा भी होगा। तो दोस्तों देखें जिस तरीके से मैंने आपको स्टोरी बताई है लास्ट एपिसोड में, आपको ऐसी ही स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों देखें कश्माला का अब किस्सा जो है खत्म हो जाएगा, कश्माला बहुत ही ज्यादा परेशान होगी, जिस तरीके से आपको खुश नजर आ रही है उसी तरीके से आपको उदास नजर आएगी कश्माला। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी मैंने बताया है आने वाले एपिसोड में वही होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।